हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे नए लेसन की डीपीपी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, मींस पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एपिकल मेरिस्टेम्स अकर्स एट रूट टिप, प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, रीजनरेट पार्ट ऑफ प्लांट बोथ वन एंड सेकंड दोनों। क्योंकि जब भी एपिकल मेरिस्टेम की बात की जाए तो आपको पता है कि एपिकल मेरिस्टम्स बेटा कहाँ पे होते हैं। एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं किसी भी प्लांट के एपिकल पोर्शन पे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये स्टेम है और ये रूट है, तो स्टेम के एपिकल पोर्शन पर ऐसे और रूट के एपिकल पोर्शन पर इस प्रकार से ये एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात यह आती है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो पहली बात तो बिल्कुल सही हो गई कि अकर्स एट रूट टिप। दूसरी बात, प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू। क्योंकि इस प्रकार के मेरिस्टेम्स के द्वारा पौधों में नए पार्ट बनते हैं, इसलिए बेटा इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ड्यूरिंग लीफ फॉर्मेशन एंड स्टेम एलोंगेशन सम सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम प्राइमरी सेल, इंटरकलरी मेरिस्टेम्स, एक्सिलरी बड, इंटरफेसिकुलर कैंडिल। क्वेश्चन के मुताबिक अगर देखें तो ये क्या कह रहा है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये कोई स्टेम है, इस स्टेम में ये एपिकल मेरिस्टेम्स हैं ऐसे, फिर क्या होगा कि एपिकल मेरिस्टेम्स आगे चले गए इस तरीके से और आगे चले गए, लेकिन यहां पर कुछ सेल्स यहां पर ऐसे छूट गई ऐसे, और ये सेल बार बार डिवाइड होकर के यहां पर एक नए स्ट्रक्चर को बनाती हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्सिलरी बड। तो सही आंसर इसका क्या आएगा, इसका सही आंसर है बेटा एक्सिलरी बड। यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज थर्ड। देखो, हम बार बार कहते हैं बच्चों कि अगर एमसीक्यू नहीं करोगे तो दिमाग नहीं चलेगा। केवल एनसीईआरटी किताब पढ़ लेने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक र्यूमर है ये। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो। अरे ठीक है भाई, पूरी एनसीईआरटी कर ली, फिर भी जब तक आप क्वेश्चन करना नहीं सीखोगे तब तक कैसे कर पाओगे।
उन 3 घंटे में केवल क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी नहीं लिखनी बेटा, सब्जेक्टिव नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का राजा था, घर से याद करके आ गए कि दिल्ली का राजा था, हो गया, नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं इसीलिए कि जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा, तो करते रहिए एमसीक्यू हमारे साथ, राहुल सर के साथ। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और लाइक तो यार कर ही दिया करो, इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। लाइक करने से जानते हो क्या होता है, वीडियो का एक जो वैल्यू होता है, क्लास का वैल्यू होता है, वो बढ़ जाता है। आपके साथ अपने साथियों को भी लाभ पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अपने साथ और बच्चों को जोड़े, ये एक अच्छा काम है, पढ़ाई का काम है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स अकर्सिंग ग्रासेस अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए अब स्क्रीन पर देखिए आप इसको, जैसे ये कोई प्लांट बॉडी है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है बेटा, तो ये इस तरीके से ये मैच्योर पार्ट, ये मैच्योर पार्ट, और यहां से इस तरीके से एक लीफी स्ट्रक्चर बना हुआ है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहां है, ये है, ये है हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ये राइट। तो पहला पॉइंट क्या है कि इंटरकैलरी टिश्यू प्रेजेंस विद द मैच्योर टिश्यू, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है बेटा मैच्योर टिश्यू। तो मैच्योर टिश्यू पर इस प्रकार से ये पाए जाते, मतलब मैच्योर, दो मैच्योर टिश्यू के बीच में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंस। दूसरा पॉइंट जो है वो लर्निंग है, कौन सा, कि अकर्सिंग ग्रासेस, मोनोकॉट में मेनली पाए जाते हैं ग्रासेस में। सही आंसर क्या होगा सर इसका, बेटा इसका सही आंसर होगा थर्ड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा यहां पर है प्राइमरी मेरिस्टेम्स एपियर लेटर इन लाइफ ऑफ प्लांट, एपियर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट, रीजनरेट पार्ट ऑफ प्लांट बोथ सेकेंड एंड थर्ड। प्राथमिक विभिज्योतकी ऊतक पौधे के जीवन में बाद में दिखाई देते हैं, अरे यार अगर बाद में दिखाई देंगे तो प्राथमिक किस बात के, ये वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं है। पौधे के जीवन में जल्दी दिखाई देते हैं, मतलब हमेशा एक बात ध्यान रखो कि प्राइमरी मेरिस्टेम्स किसी भी पौधे में बाई बर्थ होता है, जन्म के साथ होता है। तो बेटा ये वाली बात बिल्कुल सही आ रही है। अब अगर हम बात करें किसकी, रीजनरेट पार्ट ऑफ प्लांट, तो बेटा बिल्कुल बात बिल्कुल ये सही है कि जब प्राइमरी मेरिस्टेम्स डिवाइड होगा, क्योंकि मेरिस्टेम्स का मतलब क्या है, कंटिन्यू डिवीजन, जब लगातार कोशिकाओं में विभाजन होगा तभी तो नए पार्ट बनेंगे, तो ये वाली बात भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 राइट। नाउ चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की। प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट इज फॉर्म बाई, अभी अभी हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, कि जितने भी प्राइमरी पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट में वो किससे बनते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हैं कि नहीं बनते, या केवल मेरिस्टेम से बनते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला। चलिए आगे की बात करें, लेटरल मेरिस्टेम्स आर टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम्स एपियरिंग अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेम्स को हम लोग बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम्स भी कहते हैं, और इसके कहने का एक ही कारण यह है, क्या कारण है इसके,
चूंकि ये किसी भी प्लांट में क्या कराता है, ये किसी भी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम एंड रूट। चलिए आगे की बात करते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम्स इंक्लूड द्वितीयक विभिजकी ऊतकों के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहले तो आएगा फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इसके साथ क्या आएगा, कॉर कैम्बियम आएगा। सेकेंडरी फ्लोएम रिजल्ट है बेटा, तो ये नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, यानी फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। देखो याद करो, मैंने बताया था आपको कि जैसे ये हमारा जाइलम ऊपर वाला फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, यहां पर जो ये आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं फैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, दे आर प्राइमरी इन ओरिजिन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज था फोर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, मेरिस्टम दैट अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट प्लांट, एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकैलेज मेरिस्टम्स, लेटरल मेरिस्टम्स। अब देखो बिल्कुल क्लियर सा क्वेश्चन कि एपिकल मेरिस्टम्स बेटा पौधे के एपिकल पोर्शन पे पाया जाएगा, इंटरकैलेरी मेरिस्टम्स क्या होता है, ये दो मैच्योर टिश्यू के बीच पाया जाएगा, लेटरल मेरिस्टम्स कहां होते, किसी भी प्लांट के मैच्योर पार्ट पर पाए जाते हैं। ये जो चूंकि मैच्योर प्लांट ही क्या करता है, द्वितीयक वृद्धि करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि लेटरल मेरिस्टम्स प्रेजेंस इन मैच्योर रीजन एंड प्रोवाइडेड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द स्टेम, डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू डिवाइड रेगुलरली टू रिपेयर डैमेज, डिवाइड ओकेशनली, डू नॉट डिवाइड जनरली, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। देखिए यहां पर एक बात समझो कि जो मेरिस्टेम है वो मेरिस्टेम किस लिए है, चूंकि वो कंटिन्यू डिवीजन देता है। अब इसमें जब डिवीजन स्टॉप हो गया तो परमानेंट बना, इसका मतलब यह है कि किसी भी पौधे में परमानेंट टिश्यू जन्म से नहीं होते। कब आते हैं, जब मेरिस्टेम्स की जो सेल्स हैं वो डिवाइड होना बंद हो जाती, तब परमानेंट टिश्यू एपियर होता है। चलिए अब क्वेश्चन पर बात करें, तो डिवाइड रेगुलरली टू रिपेयर डैमेज, ये तो मेरिस्टेम्स का हो गया, तो ये तो होना ही नहीं। डिवाइड ओकेशनली, अब जैसे कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के समय परमानेंट टिश्यू फिर से मेरिस्टेम्स में बदल जाते, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ग्रोथ वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते, तो ओकेशनली ये डिवाइड हो जाती, लेकिन जनरली डिवाइड नहीं होती। ऑप्शन क्या जा रहा है इस हिसाब से, फोर, इसका सही आंसर बेटा है फोर। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ, क्या कह रहा है, सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ सम टाइप ऑफ सेल ऑफ सिंपलर सिमिलर ओरिजिन, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ सेम ओरिजिन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। हिंदी भी देख लिया करो, समान मूल की कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं,
एक ही उत्पत्ति की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, विभिन्न उत्पत्ति की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। तो यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की परमानेंट जो टिश्यू है, इस परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट हुए। एक हुआ सिंपल और दूसरा हुआ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिंपल किस बात में सिंपल है? एनसीईआरटी ने लिखा द ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल्स, एक ही प्रकार की, ओनली वन टाइप सेल्स, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को साधारण ऊतक या सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्वेश्चन हो चुका है आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ सेम ओरिजिन, सॉरी सेकेंड होगा इसका बेटा, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन इज फॉर्म बाय कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब पौधे में सबसे ज्यादा कौन सा ऊतक पाया जाता है? देखो इसका सही आंसर है बेटा पैरेनकाइमा, सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि पैरेनकाइमा से इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अलावा अगर बात करें तो इंडोडर्मिस, कभी कभी पेरिसाइकिल, पेथ और पिथरे। अब इसके बाद बचा क्या? सभी जगह तो घुसा हुआ है पैरेनकाइमा, इसके बाद कुछ नहीं बचा, और इसीलिए इसको कहते हैं मोस्ट एविडेंट टिश्यू, फंडामेंटल टिश्यू। फंडामेंटल किस बात का? स्ट्रक्चर का, किसी भी पौधे का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, वाला पैरेनकाइमा मेड अप ऑफ, सीधा आंसर सेलुलोस, कोई दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ो। पैरेनकाइमा परफॉर्म फंक्शन, पैरेनकाइमा परफॉर्म फंक्शन, पैरेनकाइमा क्या कार्य करता है इसको भी याद करो, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। क्या क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण भी करेगा, भंडारण भी करेगा भोजन का, और कभी कभी कुछ पदार्थों का श्रवण करेगा यानी सिक्रीशन करेगा। तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, ये तीनों काम पैरेनकाइमा के हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, वेयर डस कोलेनकाइमा अकर, बिलो इपिडर्मिस इन मोस्ट मोनोकॉट, बिलो इपिडर्मिस इन मोस्ट मोनोकॉट, बिलो इपिडर्मिस इन मोस्ट डाइकॉट, बिलो इन इंडोडर्मिस इन मोस्ट डाइकॉट। यानी कोलेनकाइमा की स्थिति पूछी है। एक बार जरा आप देखेंगे जब, तो जैसे बेटा ये इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस के ठीक नीचे ये सेल पाई जाती है, और इन सेल्स को हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये हाइपोडर्मिस है, किसमें? डाइकॉट स्टेप में। ये हाइपोडर्मिस है, और ये हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? हमेशा बेटा बनी होती है कोलेनकाइमा की, हमेशा बनी होती है, हमेशा ध्यान रखो इस बात। तो कहां पे ये इपिडर्मिस हुई कि नहीं हुई? इपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है, यानी बिलो इपिडर्मिस इन मोस्ट डाइकॉट स्टेप। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो सेल ऑफ कोलेनकाइमा आर, सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर थिकेंड एट कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पेक्टिन, लेकिन कभी भी लिग्निन नहीं होती यहां पे, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है बेटा इसका ऑल ऑफ दीज। देखो कह क्या रहा था,
वो कह ये रहा था कि जैसे ये कोई सेल है, हम बड़ी सी बना रहे हैं, इसीलिए ये कॉर्नर पर कौन सा पदार्थ जमा होता है। तो कॉर्नर पर पदार्थ जो जमा होता है, सेलुलोज तो यहां पे हो गया, इसके बाद ये अंदर जो जमा होता है, ये अंदर जमा होता है हेमी सेलुलोज और पेक्टिन, कभी भी लिग्निफाइड नहीं होती, ध्यान रखें, नो लिग्निफाइड, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी ये लिग्निफाइड नहीं होती है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। फिर से कोलेनकाइमा सेल्स हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, मे और मे नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, नन ऑफ दिस। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, याद कर लें, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट इज प्रोवाइड बाय पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए जनरली अगर हम बात करें तो मैकेनिकल सपोर्ट इन द यंग स्टेम एंड लीफ पेटियोल इज प्रोवाइडेड बाय कोलेनकाइमा, लेकिन जो बूढ़ी प्लांट होते हैं उनमें स्क्लेरेन्काइमेटिस टिश्यू के द्वारा भी कभी कभी अब फ्रूट्स में कुछ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, मेनली कोलेनकाइमा, रेयरली स्क्लेरेन्काइमा। आंसर क्या जा रहा है? 4। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम पेटियोल ऑफ लीफ ऑर्गन ओनली, क्लियर हुआ? तो बेटा इसमें ऑल ऑफ दीस की जगह पर होना चाहिए, यहां पर ऑल ऑफ दीस की जगह क्या होना चाहिए था? फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी दोनों को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसका जो फोर्थ आंसर है, करेक्शन किया मैंने, ऑल ऑफ दीस को मैं हटाई देता हूं, लो हट गया, ऑल ऑफ दीस बिल्कुल गायब हो गया, इसकी जगह क्या हो जाएगा कि यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ दोनों को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली डेड विद प्रोटोप्लास्ट, यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, यूजुअली लिविंग विद प्रोटोप्लास्ट, यूजुअली लिविंग विदाउट प्रोटोप्लास्ट। देखो यहां पर इसको आप डायग्रामेटिकली देखिए जरा बोर्ड पे, जैसे अभी ये कोई सेल है तो ये थिन वॉल्ड है, अभी इसका नाम क्या है? पैरेन्काइमा। फिर इसके बाद ये कोई सेल थी, इसके कॉर्नर पर जब जमा हो गया ऐसे, अब ये क्या हो गई? अब यही सेल हो गई कोलेनकाइमा, ये हो गई कोलेनकाइमा। और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जब कोई सेल इस तरीके से इस पर लिग्निन जमा हो जाती है, अंदर की तरफ से इस तरफ से इसमें बहुत सारा लिग्निन जमा हो गया, यानी पूरे पर ये ऐसे हो गई, और जब पूरे पर हो गए बेटा तो इसमें ना तो न्यूक्लियस रहा ना प्रोटोप्लाज्म रहा, तो यूजुअली दे आर डेड सेल्स। और डेड कब? जब इनमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं रहा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा यूजुअली डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि यहां पर प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहने की कोई जगह नहीं रह गई, समझ में आया? तो ये जो सेकेंडरी वाल थी इसकी वजह से अंदर का स्पेस समाप्त हो गया, तो ये डेड हो गई, और जब डेड हो गई तो प्रोटोप्लाज्म का कोई मतलब ही नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। पल्प ऑफ पियर हैज विच टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, पुरानी वाली एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहां पर एक डायग्राम बना हुआ है इस तरीके का, ऐसे ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, और इसको लिखा हुआ है स्क्लेरॉइड। क्या लिखा है बेटा इसको? इसको लिखा है स्क्लेरॉइड्स। सही आंसर क्या है? ये। और केवल पियर में नहीं, केवल अगर हम नाशपाती की बात करें तो नहीं, और भी ग्वावा में, सपोटा में, ग्वावा अमरूद, चीकू, इन सभी के
जो पल्प होते हैं, जो गूदे होते हैं इन फलों के, उनमें किरकिरी होती है, और वो किरकिरी होने का एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पर स्क्लेरॉइड्स पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये स्क्लेरॉइड्स क्या होता है, तो बेटा पढ़ते रहिए आगे वो भी बताएंगे स्क्लेरॉइड्स क्या होता है। अच्छा ये सोच रहे हो सर को पता नहीं, चलो बता देते हैं। जो स्क्लेरिक काइमेटस टिश्यू होते हैं उसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं, और वो दो प्रकार की सेल्स में एक होती है स्क्लेरन काइमेटस फाइबर जो कि जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर में प्रेजेंस होती है, जूट बास्ट या जैसे कॉटन इनमें जो फाइबर होते हैं वो बनाती है, और जो स्क्लेरॉइड्स होते हैं ये पल्प फ्लूड्स में पाई जाती। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, खुद भी जुड़िए क्लास के साथ और साथियों को जोड़िए और सब्सक्राइब करें राहुल सर बायो त्रिवेदी, और अपने नीट के सिलेक्शन को सिक्योर करें। बाय बाय बच्चों।